हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि दुनिया में कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो भौंकती नहीं है? बेसन जी, कुत्तों की एक ऐसी ही ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती। वो एक सुरीले गाने की तरह आवाज़ निकालती है। फैक्ट नंबर टू, आप में से ज़्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ईमेल किसने, कब और किसे भेजा? बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTYUIOP थी। फैक्ट नंबर थ्री, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ दो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, वो है आई और जे। खैर, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आई और जे के ऊपर जो डॉट लगे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है? इंडेक्स को कहते हैं टाइटल, जो संभवतः अंग्रेजी के टिनी और लिटिल वर्ड्स से मिलकर बना है, जिनका अर्थ छोटे होने से होता है। फैक्ट नंबर फोर, बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहाँ मौजूद पैर की साइज़ मापने वाली डिवाइस को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप उस डिवाइस का नाम जानते हैं? उस डिवाइस का नाम होता है ब्रोनॉक, क्योंकि उसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रोनॉक ने 1926 में किया था। फैक्ट नंबर फाइव, दुनिया के क्रूर शासकों में मंगोल शासक चंगेज़ खान का नाम काफ़ी ऊपर आता है, और संभवतः आप ये बात पहले ही जानते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13वीं सदी के इस एम्परर के इतने अधिक बच्चे थे कि हिस्टोरिकल जेनेटिक्स पेपर के अनुसार आज दुनिया में चंगेज़ खान के हज़ार नहीं, लाख नहीं, बल्कि 1,60,00,000 प्रत्यक्ष वंशज हैं। नंबर सिक्स, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू व कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं, इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ये ना जानते हों कि ऐसे भी कई जानवर हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं, जैसे स्नेल्स, कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं, और जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, आप सबने कभी ना कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस को ज़रूर देखा होगा। उसके आठ हाथों का होना हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस के बारे में कई और भी रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं, नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। फैक्ट नंबर एट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा इंसान कभी घुड़दौड़ जीत सकता है, तो शायद आप ये सोचेंगे कि कितना स्टूपिड सा सवाल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 जून सन 1923 को फ्रैंक हेज नामक एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दरअसल उन्हें रेस के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई, पर इसके बावजूद उनका घोड़ा स्वीट लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। फैक्ट नंबर नाइन, अक्सर हम खाने पीने वाली चीज़ों के जल्दी ख़राब होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कभी ख़राब नहीं होता, और वो है शहद। शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हज़ारों सालों बाद भी ख़राब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्त के पिरामिडों में पैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया, वह तब भी उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत पड़ी थी। फैक्ट नंबर 10, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक भी ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वो सांस लेने के लिए अपने सिर या मुंह पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने बॉडी में मौजूद पार्ट्स से सांस ले लेता है। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते। फैक्ट नंबर 11, नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ एक भी नदी ना हो? दुनिया में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 17 देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और कुछ आइलैंड नेशंस जैसे कि बहमास, माल्टा और मालदीव, ऐसे जहां एक भी नदी नहीं बहती। फैक्ट नंबर 12, यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकलें? एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते, ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय उसकी लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती है। फैक्ट नंबर 13, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाना मौत की सज़ा दिला दे? एंशियंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी, और तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने में बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। फैक्ट नंबर 14, प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंसू नहीं निकलते? ऐसा उस गंध के डिफ्यूज़ हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड प्रभावित नहीं हो पाती। फैक्ट नंबर 15, बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। फैक्ट नंबर 16, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। फैक्ट नंबर 17, हम जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं, पर क्या आपने सोचा है जब ये शुरू में ही दिखाए जाते हैं तो इन्हें ट्रेलर क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है कि लगभग 100 साल पहले इन्हें मूवी ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता था, लेकिन जब देखा गया कि अधिकतर लोग मूवी ख़त्म होते ही हॉल छोड़कर चले जाते हैं और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता, तो इन्हें फिल्म के शुरू में दिखाया जाने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहूँगा।